हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नवदीप दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपा बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया समर रिसर्च फेलोशिप से और जानेंगे उसको पूरा डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि है IAS में, यानी कि समर अकेडमी रिसर्च फेलोशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम देख लें नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा IAS.ac.in पर। तो जैसे ही आप इससे लॉगिन करेंगे तो आपको जो है इस टाइप से इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है जैसे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2023, और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर तो आपको इस टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम आज इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस एकेडमी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स 2023। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट और टीचर्स के लिए जो है यहाँ पे इस समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम को निकाला गया है। और यहाँ पे अगर आप PhD कर रहे हैं या PhD अपने कंप्लीट कर रखी तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं द थ्री नेशनल अकेडमीज साइंस अकेडमीज ऑफर सेवरल 2 मंथ समर रिसर्च फेलोशिप। तो आपके यहाँ पे जो समर रिसर्च फेलोशिप रहेगी वो आपकी 2 मंथ की रहेगी, चाहे वो आप टीचर हो या स्टूडेंट हो। और आप जो है आप इंडियन सिटी होने चाहिए, आप इंडियन जो है किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो है आपने अपनी पढ़ाई की होनी चाहिए। अगर आप टीचर है तो आप इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको जो है टीचर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसमें आपको लिस्ट भी देखने को मिलेगी कौन कौन साइंटिस्ट के अंदर आप जो है अपना 2 मंथ का ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो भी आपको लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपको जो है अगर आप उन्हें उन साइंटिस्ट को पर्सनल जो है जानते हैं या आप जो है उनके अंदर जो अपना जो रिसर्च पहले रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप उन्हें जो है मेल करके जो है आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो है उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम देंगे तो IAS वाले क्या करेंगे वहाँ पे जो है उन पर्टिकुलर साइंटिस्ट का जो है ईमेल आईडी पे उन्हें मेल करेंगे, और मेल करने के बाद वो आपका रिकमेंडेशन भी जो है उनसे मांगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपना साइंटिस्ट जो है वो चूज़ कर लीजिएगा कि आप किस फील्ड में आपको जो है आपको लाइक काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना गाइड चूज़ करिए, मेंटोर चूज़ करिए, और उसके बाद जो है आप उन्हें बोलिए कि हम आपके अंदर काम करना चाहते हैं और हम अपने जो रिसर्च इंटर्नशिप वो आपके अंदर करना चाहते हैं। तो अगर आपको जब IAS के थ्रू जो है आपको रिकमेंडेशन लेटर आपसे मांगा जाएगा तो आप जो है उसे जो है आप दे दीजिएगा। ठीक, तो इस वे में आपको जो है पहले मेंटोर से बात करनी पड़ेगी जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हैं, और उसके बाद जो है आप अपना जो है एप्लीकेशन जो है वो फर्दर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट टीचर फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे जाए जो भी स्टूडेंट हो या टीचर हो, अगर वो इंटरेस्टेड है रिसर्च इंटर्नशिप में तो वो जो है आप वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिसर्च फेलोशिप मेंशन नहीं कर रखी है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे 12,500, और अगर आप जो है यहाँ पे टीचर है तो आपको यहाँ पे 1,870 50, यानी कि 18,750 रुपीज़ जो है वो आपको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है स्टूडेंट एप्लीकेशन सेल्फ प्रोवाइड द ईमेल आईडी ऑफ वन ऑफ द टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैं जैसा मैंने आपको बताया कि आपको आपका जिसके अंदर भी आप जो रिसर्च करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी उस टीचर का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि जो एकेडमी वाले उसे अप्रोच कर सके फॉर योर रिकमेंडेशन लेटर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड वर्क विद द असाइन गाइड फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पे आपका समर इंटर्नशिप जो रहेगा वो 2 मंथ का रहेगा एट एनी टाइम, यानी कभी भी हो सकता है पूरे ईयर में, कैलेंडर ईयर में, लेकिन जो है प्रिफरेबली जो रहता है वो ड्यूरिंग समर में रहता है, क्योंकि समर में जो आपको समर वैकेशन दिया जाता है मोस्टली 2 मंथ का या 1.5 मंथ का, तो इसीलिए जो है मोस्टली जो ट्रेनिंग्स रहती हैं वो आपकी समर में रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है www.is.ac.in पर। सेकेंड है www.insaindia.res.in, और आपका लास्ट है www.nasi.org.in। तो इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाके जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपको असाइन कर दिया जाएगा। एक बार आपका अगर एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी असाइन किया जाएगा। लास्ट डेट है 15 नवंबर 2023। इन्फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन अलॉन्ग विद कंकरेंस ऑफ द गाइड विल बी डिस्पैच अराउंड फरवरी माह। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट 15 नवंबर है और उसके बाद जो है आपका जो गाइड है अगर अलॉट किया जाता है तो आपको फरवरी या मार्च 2023 तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट और टीचर विल प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर एंड अ मंथली फेलोशिप टू मीट देयर लिविंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको आने जाने का जो है यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आएंगे उसे आपको रीइम्बर्स किया जाएगा और आपको यहाँ मंथली फेलोशिप भी दी जाएगी। ठीक है, तो मंथली फेलोशिप मैंने आपको बता दिया कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे 12,500 और अगर आप जो है टीचर हैं तो आपको यहाँ पे 18,750 रुपीज़ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अब इम्पोर्टेंट कि आप जो है कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि आपके इसके लिए आपको जो अपलोड करना पड़ेगा आपका मार्कशीट यानी 10th से लेके लास्ट एग्जाम तक, चाहे आपका BSc हो या MSc हो, MSc हो, ठीक है, आप उसके लिए जो आपको वहाँ तक का जो है अपना एग्जाम लाइक आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, इसलिए आप जो अपने जितने मार्कशीट हो 10th के बाद अप टू UG डिग्री या PG डिग्री, या आप जो है लास्ट ईयर में BSc सेकेंड ईयर में हो या आप जो है MSc फर्स्ट ईयर में हो तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप MSc सेकेंड ईयर में भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना 10th से लेके जब तक का भी आपके पास डिग्री मार्कशीट है तब वो सारा जो है आपको इसको स्कैन करना है, JPG फॉर्मेट में करना है और ईच मार्कशीट जो रहेगा या ईच आपकी सीट रहेगी उसका साइज जो है 700 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पूरा रेडी रखना है अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे सिर्फ आप एक एप्लीकेशन को एक ही बार सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में एस्ट्रिक्स मार्क दे रखा होगा वो मैंडेटरी रहेगा। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 15 नवंबर 2022। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता देता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास BS BSc, अगर आप सेकेंड ईयर वाले ओनली वालों को यानी अगर BSc फर्स्ट ईयर में तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप सेकेंड ईयर ओनली वाले को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बी फार्मा थर्ड एंड फोर्थ ईयर ओनली, BE BTech BCA सेकेंड एंड थर्ड ईयर ओनली, बैचलर इन आर्किटेक्चर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ओनली, MS MSc MVSc एम फार्मा फर्स्ट ईयर ओनली, ME MTech MCA MTech फर्स्ट ईयर ओनली, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MS MSc MTech तो ईयर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ओनली। तो इस वे में आपको यहाँ पे जो है आपकी एलिजिबिलिटी दे रखी है। अगर आप इनमें से ही आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास डिग्री है, या आप जो इनमें से फॉल कर रहे हैं इस कैटेगरी में, तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स की बात करें, यहाँ पर टीचर्स में जो है आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हों और मिनिमम आपका जो है PG में 65% मार्क्स होना चाहिए और मिनिमम जो परसेंटेज रहेगी ऑफ एवरेज मार्क्स डज नॉट अप्लाई फॉर टीचर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है परसेंटेज जो एवरेज मार्क्स हैं इट डजेंट अप्लाई फॉर टीचर। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है PhD स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो PhD कर रहे हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेंट हु हैव अवेल्ड द एकेडमीज फेलोशिप ट्वाइस, यानी अगर आपने इस समर रिसर्च फेलोशिप को 2 बार ले दिया है, पहले ले चुके हैं, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने 2 बार इस फेलोशिप्स के थ्रू आपने अपनी रिसर्च इंटर्नशिप कर ली है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहिए क्या होगा, तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप फिलअप कर रहे होंगे तो आपको राइटअप देना पड़ेगा। आपको 150 से 250 वर्ड्स के बीच आपको जो है अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा कि आप जो है किस एरिया में काम करना चाहते हैं या आप जो है कौन से टेक्निक सीखना चाहते हैं इस फेलोशिप की हेल्प से। इसके अलावा आप जो है कुछ एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन कर सकते हैं या हाइपोथेसिस आप दे सकते हैं कि आप जो है इस लैब में जाके इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को आप प्रूव करना चाहते हैं या इन पर्टिकुलर टेक्निक्स को आप सीखना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक राइटअप में 150-250 वर्ड्स में जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी भी कोई भी कॉपी पेस्टमेंट के लिए, नहीं बहुत से होते हैं वो जो है जाते रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करते हैं उसके बाद वो जो है एप्सट्रैक्ट कॉपी कर देते हैं और वो पेस्ट कर देते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आप मत करिएगा। आप आपके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या जो भी टेक्निक आप सीखना चाहते हैं या जो भी आप जो फर्दर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने अपनी लैंग्वेज में लिखिए और जो इस यहाँ पर मिनिमम लिमिट है वो आपकी 150-250 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंक्लोजर्स में आपको बुक कि टीचर स्टूडेंट मस्ट अपलोड स्कैन वर्जन ऑफ मार्क्सशीट, जैसे मैंने आपको बताया क्लास 10th से टिल द लास्ट एग्जामिनेशन इन JPG फॉर्मेट और ईच फाइल शुड नॉट एक्सीड 700 KB। ठीक है, इसके अलावा टीचर एप्लीकेंट शुड अपलोड देयर पब्लिकेशंस, अगर टीचर्स के बाद अगर कोई पब्लिकेशन तो वो अपलोड कर सकते हैं। इफ़ एनी ऑन सिलेक्शन एंड ऑथोराइज लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल HOD दैट नेसेसरी परमिशन लीव और एब्सेंस, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको अपना HOD या प्रिंसिपल से जो है आपको लीव लेनी पड़ेगी कि आप जो है SRFP की जो रिसर्च इंटर्नशिप है
वो आप जो है लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको लीव लेनी पड़ेगी आपको अपने प्रिंसिपल या एचओडी से, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप जो अपने प्रिंसिपल से लीव ले सकते हैं, या आप उनका जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो है आप जो है अपना लीव लेटर या आप जो है परमिशन लेना पड़ेगा कि आपको जो है समर एकेडमिक लाइक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जो है आपको जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टीचर्स के लिए है कि आपको अपलोड करना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अदर मैटर्स में देख लीजिए तो अदर मैटर्स में स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द प्रेजेंट टीचर, ठीक है। तो अगर आप जो एमएससी कहीं से कर रहे हैं तो आप अपना कोई भी टीचर जो भी आपको पढ़ाता है उसका आपको जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए द अकेडमी विल गेट इन टच विद द टीचर एंड ऑब्टेन द रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मैंशन कर रखा है तो यहाँ पे आपको आपका प्रेजेंट टीचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि आप जो है जिस मेंटर को चूज़ कर रहे हैं कि आपको उसका भी देना पड़ेगा कि इसका देना पड़ेगा, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर लिखा है द स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड अ कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ वन ऑफ द प्रेजेंट टीचर। तो यहाँ पे आप जहाँ पर भी एमएससी या बीएससी कर रहे हैं आप वहाँ पर अपने जो प्रेजेंट टीचर जिसे भी आप जानते हैं तो उसका आपको जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी एट द सोर्स प्लेस ऑफ अकेडमीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट जो आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो आपका उनका लास्ट डिसीजन होगा। आप इसके लिए कोई भी यहाँ पे कुछ भी आप बोल नहीं सकते कि आपको ये गाइड मिला आपको ये मिला, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकते। जो अकेडमी डिसीजन लेगी वो फाइनल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी सारे डिटेल जो है वो ट्रू देने, अगर देखा जाए कि अगर आपको जो है कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा राग आपको अगर गाइड मीन्स अ पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइंटिफिक फैकल्टी अप्रूव्ड बाय द एकेडमी जॉब लिस्ट, तो यहाँ पे आपको जो है लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी देखने को मिलेंगे कि आप जो है चूज कर सकते हैं आप किसके अंदर जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल करस्पॉन्डेंट शुड यू एड्रेस टू, इसके लिए यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी मैंसन कर रखा है तो ये भी आप जो देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप इन फोन नंबर्स पे जो है कॉल करके भी आप अपना जो है क्वेरी ले सकते हैं। आप देखते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टू ऑप्शन आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करिए, अगर टीचर है टीचर पे करिए। और यहाँ पे बोर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए कि आप किस फील्ड में जो है अपना रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लाइफ साइंस एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आप जो है लाइफ साइंस से एनिमल साइंस से बायोटेक्नोलॉजी प्लांट साइंस से या अदर्स किस में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सपोज हमने प्लांट साइंस से क्लिक किया और नेक्स्ट कर देंगे तो आपको इस टाइप का जो है इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिक जैसे आप जो तो क्लिक हियर टू व्यू द इंटायर लिस्ट ऑफ गाइड्स देखने को देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है जितने भी गाइड जो भी इस आईएएस प्रोग्राम के थ्रू अटैच हैं उन सबका यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी गाइड के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है उनका यहाँ पे नाम दे सकते हैं, मे बी वो आपको अलाउ करेंगे कि आप किस गाइड के अंदर और किस फील्ड में आप देना चाहते हैं। तो ये सारा आप इस लिस्ट के थ्रू आप जो है देख सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ उन्होंने दी है कि आप जो है कौन कौन से साइंटिस्ट जो है वो इस फील्ड में हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप जो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी जो कि यहाँ पे आपको अच्छे से भरनी है, जहाँ जहाँ पर भी एस्ट्रिक्स मार्क आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ जो मैंडेटरी आपको फिलअप करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको एसएससी यानी 10th 12th का आपको ईयर मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स ऑब्टेंड इंस्टीट्यूशन ये सब लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएशन यानी यूजी डिग्री है तो उसका आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जब तक भी आपका जो है हो चुका है आपके आप पास कर चुके जितने भी सेमेस्टर उन सबका आपको यहाँ पे डिटेल देना है। और आपका जो फाइल फॉर मैक्सिमम साइज़ वो 700 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये हमेशा आपका JPG फॉर्मेट में रहेगा, सिमिलर PG का भी ऐसा ही है। अगर आप इंटीग्रेटेड स्टडी PhD कर रहे हैं तो उसका भी ऐसे ही, लेकिन अब तो MSc ओनली आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नेम ऑफ करेंट इंस्टीट्यूशन प्लेस भी आपको मैंसन करना है, करेंट स्टडिंग आपको मैंसन करना है कि आप जो को क्या अभी कर रहे हैं, चाहे BSc MSc कर रहे ईयर और सेमेस्टर ये सब लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और दे रखा है कि हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू एकेडमी फेलो से, यस मैंसन ईयर रजिस्टर्ड नंबर, तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मैंडेटरी दे रखी है तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सजेस्टेड डेट भी मेंशन करता है जो कि अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो है आपको आप किस टाइम पे जो है इस इंटर्नशिप करना चाहते हैं। मोस्टली जो है स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर समर हॉलीडेज दे यूज टू डू, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट मंथ और आपको करना है कब से आप कब तक तो जो है कर सकते हैं आप अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो मोस्टली ये 2 मंथ की रहेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेलेक्ट कर लिया था तो आपको किस में कब काम करना है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में, वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए 150 से 250 जो है वर्ड्स का आपको यहाँ पे जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अपना लिखना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो वो आप जो है यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आई थिंक मे बी जो है आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप जो है किस गाइड के अंदर करना चाहते हैं, तो वो भी जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज जो है ऑटोमेटिक जो भी गाइड आपको अलॉट होता है आपको उसके अंदर ही जो है आपको अपना इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे लाइक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।